Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing very well. So it's been a long, मैं ऐसे बैठ के वीडियो बना रही हूँ. बहुत दिन हो गया कि मैं ऐसे बैठ के वीडियो बना रही थी. तो एक्चुअली आई वॉज आउटसाइड, मतलब मैं अपने भैया की शादी में गई थी. अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा हो तो ऊपर या फिर नीचे लिंक रहेगा, आप लोग ज़रूर व्लॉग देखना. बहुत इन्जॉयमेंट हुआ है, बहुत ही मज़ेदार वाला व्लॉग है, तो आप लोग ज़रूर चेक करना. और कमिंग टू द पॉइंट, आज का वीडियो है नायका हॉल. तो मैं लास्ट नायका हॉल शायद जनवरी में की थी या दिसंबर में, मुझे याद नहीं, आई थिंक जनवरी में की थी. फिर मैं फरवरी में कोई नायका का व्लॉग नहीं लाई हूँ, नायका का हॉल नहीं लाई हूँ. तो आई एम बैक विथ अ न्यू नायका हॉल. तो ये एक मिनी सा नायका हॉल होने वाला है, जो कि मैं फरवरी मंथ में जो जो आइटम्स मैंने नायका से मंगाई थी, मैं उसी का मैं वही सब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. तो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है. फर्स्ट मैं जो दो प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ वो मामाअर्थ से है. तो मैंने इस बार मामाअर्थ से उनका ऑनियन रेंज का दो प्रोडक्ट मंगाया था. एक है मामाअर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल विथ ऑनियन ऑयल एंड रेडेंसिल, और अदर वन इज़ मामा अर्थ ऑनियन शैम्पू विथ ऑनियन एंड प्लांट केराटिन. तो मैंने ये दो प्रोडक्ट मंगाए थे मामा अर्थ से. ये जो है हेयर ऑयल है, जिस बहुत मुझे ये हेयर ऑयल का जो टिप है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया. मैं मामा अर्थ का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं की हूँ, बट आई रियली लाइक्ड. ये है उसका ऑनियन ऑयल एंड उसके साथ ही ऐसा टिप आता है जो आप लगा के इससे आप ऑयल ऐसे ड्रिप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट अपने पाम में लेके वो भी अप्लाई कर सकते हो. बट दिस इज़ द हेयर ऑयल एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि इसमें ऑनियन का स्मेल है ही नहीं. तो प्लस पॉइंट फॉर दिस, बिकॉज ऑनियन का कोई भी ऑयल में ऑनियन के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है, विच आई रियली डोंट लाइक, बट दिस वन इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट. तो मैं ये कुछ दिन ही हुआ ट्राई कर रही हूँ, तो अभी तो मैं इसका रिव्यू नहीं दे सकती. अगर आप लोग इसका रिव्यू चाहते हो ऑनियन ऑयल प्लस ऑनियन शैम्पू का, तो मुझे कमेंट में बताना. मैं कुछ दिन इसको और यूज़ करूँगी एंड देन आई कैन रिव्यू दिस प्रोडक्ट. तो यस, दिस आर द टू फर्स्ट प्रोडक्ट. और प्राइस इसका है 599, ऑयल का प्राइस है 599 एंड शैम्पू का है 349. तो ये शैम्पू बहुत ज़्यादा माइल्ड सा शैम्पू है, मतलब लेदर नहीं होता है ज़्यादा आपके हेयर्स को. तो अगर आप लोगों को माइल्ड शैम्पू अच्छा लगता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मुझे मामाअर्थ से मिला था, मामाअर्थ के दो प्रोडक्ट खरीदने से मुझे मिला था एक फ्री प्रोडक्ट, विच इज़ द मामाअर्थ नीम फेस मास्क. तो व्हेन आई गॉट दिस फ्री प्रोडक्ट आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गया है एंड इसका एक्चुअली MRP है 499, बट आई गॉट दिस फॉर फ्री. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट दिस प्रोडक्ट, कि मुझे चलो कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिला है कि मैं अपने फेस में यूज़ कर पाऊँगी. बट व्हेन आई ओपन्ड इट, यू गाइस विल बी इन अटर शॉक. तो इट हैज़ लाइक मोल्ड्स इनसाइड इट, वो जो वाइट वाइट हो जाता है ब्रेड को बहुत दिन रखने से, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हो गया है एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस. तो मैं जब रिसीव की थी प्रोडक्ट, तभी मैं इसका एक अनबॉक्सिंग की हूँ, तो वो आप लोग चेक कर लो पहले. गाइज ये मुझे अभी रिसीव हुआ है, बट लुक एट इट, व्हाट द हेल इज दिस ऑन अर्थ. इसमें पूरा फंगस लगा हुआ है. आई विल लाइक जूम इन ताकि आप लोगों को पता चले कि फोकस नहीं किया. जो भी है आप लोग को दिख रहा है वाइट, ये फंगस है. आई मीन व्हाट द हेल, मामाअर्थ फ्री में प्रोडक्ट भेज रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि गंदे प्रोडक्ट्स भेजोगे ना. चलो मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं हुआ, बट व्हाट इज दिस, मन कर रहा कंप्लेन करे, बट लेट इट बी. फ्री प्रोडक्ट है तो ज़्यादा गुस्सा आया नहीं, एंड फ्री प्रोडक्ट है शायद इसीलिए मुझे ऐसा प्रोडक्ट रिसीव हुआ. एंड इट हैज़ लाइक दिस स्पूली इसके अंदर रहता है टू अप्लाई.
that's it. That's my review from the Mamaearth products I received. Now let's come to the other products. तो मैंने एक छोटा सा लैक्मे का 925 cc कम्प्लेक्शन क्रीम ऑर्डर किया था एंड इट्स इन द शेड 01 बेज. तो फाउंडेशन अप्लाई करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसीलिए मैंने सीसी क्रीम लिया था, क्योंकि मुझे शादी में जाना था तो मैं सोची कि चलो सीसी क्रीम ही यूज़ करेंगे, तो इसीलिए मैंने लिया है. बहुत हद तक यूज़ भी किया और ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म भी हो चुका है. छोटा सा पैकेट ही लिया था क्योंकि ऐसे भी तो मैं ज़्यादा फेस में कुछ ऐसे अप्लाई नहीं करती हूँ. सो या इसका प्राइस था 105 rupees. जो प्रोडक्ट है वो फिर से एक लैक्मे का प्रोडक्ट है, वो है एक नेल पेंट. तो मैंने लैक्मे से ये वाला नेल पेंट मंगाया था. इसका ये है लैक्मे का कलर क्रश नेल आर्ट पेंट. बहुत ही खूबसूरत यूनिकॉर्न शिमरी शेड है, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे ये वाला शेड. मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था जब मैं नायका पर इसको देखी थी, तो मुझे इसको ऑर्डर करना था. और इसका प्राइस था 155 rupees एंड इसका शेड नंबर है U4. तो अगर आप लोग ख़रीदना चाहोगे तो ज़रूर ख़रीदना. वैसे भी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही, तो चेक कर लेना कि अगर कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना है कौन सा नहीं. तो या प्रोडक्ट लैक्मे का और एक प्रोडक्ट है मेरे पास जो कि है ये. तो लैक्मे ने भी अपना खुद का शीट मास्क लॉन्च किया कुछ दिन पहले 5 फ्लेवर्स में. एक है कीवी स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन लेमन और एक तो कोई है मिला 5 फ्लेवर में इन्होंने अपना शीट मास्क लॉन्च किया है एंड ईच कॉस्ट फॉर ₹100, जो कि एक्चुअली शीट मास्क का हर शीट मास्क ऑलमोस्ट ₹100 में मिलता है. मतलब मोस्ट ऑफ द शीट मास्क आर रेंज फ्रॉम 190 ऐसे कुछ प्राइस में मिलते हैं. तो मैंने 3 मंगाया था, एक है कीवी का और एक था स्ट्रॉबेरी का और एक था लेमन का. तो स्ट्रॉबेरी और लेमन हम दोनों मैंने एक मम्मी ने एक यूज़ कर लिया है. शादी था तभी हम लोग अपना स्किन को प्रिपेयर कर रहे थे, तो इसीलिए हम लोग ने शीट मास्क यूज़ कर लिया. और मेरे पास अभी है कीवी का, जो कि यूज़ नहीं की हूँ, करूँगी कब करूँगी पता नहीं. और ये है फ्रूटीलिशियस शीट मास्क. इसका मैं जो मैं यूज़ की थी वो शायद स्ट्रॉबेरी वाला था एंड उसको यूज़ करने के बाद थोड़ा स्किन स्टिकी हो गया था. आई डोंट थिंक शीट मास्क यूज़ करने के बाद फेस हाइड्रेटिंग होना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए, बट उसके बाद स्किन थोड़ा स्टिकी सा, जैसे कि मिठाई का रस होना वैसा फील होने लगा था. तो वॉज लाइक अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल शीट मास्क आई यूज्ड. मैंने नायका का यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत हाइड्रेटिंग था, बट दिस डिडंट टर्न आउट दैट. मतलब हाइड्रेटिंग तो था बट वो जो स्टिकीनेस था ना वो बहुत इरीटेट कर रहा था. सो दिस वॉज ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम लैक्मे. सो आई हैव दिस, मुझे मतलब शादी में जब गई थी तो मैं सोची थी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई करूँगी, तो मैंने एक हेयर स्प्रे लिया था. तो मैंने फर्स्ट ये गैट्सबी या गैट्सबाई ऐसा कुछ नाम है ब्रांड का, इसका मैंने ये अनब्रेकेबल होल्ड सेट एंड किप स्प्रे अल्ट्रा हार्ड मेंटेन्स अल्टीमेट स्टाइल विदाउट विजिबल रेसिड्यू ये वाला हेयर स्प्रे लिया था. विजिबल रेसिड्यू तो ज़रूर था, मेरा हेयर्स एकदम स्टिक हो गए थे और मुझे नेक्स्ट डे हेयर वॉश भी करना पड़ा था. वैसे वो करना ही था बट अजीब ही हो गया था मेरा हेयर्स इसको अप्लाई करने के बाद. बट दैट्स ओके बिकॉज हेयर स्प्रे का काम ये है कि वो हेयर को होल्ड रखे. तो या इट डेफिनेटली होल्ड माय हेयर. मेरा बन जो था वो बिल्कुल प्लेस में था थ्रू आउट द नाइट एंड इसका प्राइस था 250 rupees. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. तो मैंने ट्यूलिप से फेशियल टिश्यूज़ ऑर्डर किए हैं, सुपर सॉफ्ट एंड प्योर. ये फेशियल का टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू जो होता है वैसा वाला टिश्यू, लाइक ऐसा वाला टिश्यू कि गर्मी आ रहा है, बाहर जाने से यू नो व्हाट हैपन्स टू योर फेस, स्वेट, डस्ट, पॉल्यूशन, एवरीथिंग. तो इसीलिए मुझे ये वाला लेना था एंड आई कैन कीप देम inside my purse very easily. You can buy this product, this is such a good product. You get 100 tissues and it retails for ₹75 only. So yeah, go for it. If the next product I have is this is the Swiss Beauty liquid eye shadow. ye main bahut use ki hu apne shaadi mein, ki ye jo shaadi mein gayi thi bhaiya ke, maine apne iska kaushiki ka eye shadow look banaya tha. isse maine
शादी में एंड रिसेप्शन में मैंने ये खुद अपने आईज में यूज़ किया था. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. आई नो वाई दिस इज़ वेरी हाइप्ड. लाइक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. एंड ये वाला शेड है 03 शैम्पेन. एंड इस रेंज में बहुत सारे शेड अवेलेबल है. तो आप प्रोडक्ट बना देते. आई थिंक आई हैव यूज्ड दिस इन माय प्रीवियस मेकअप लुक. आई रिमेम्बर जब मैं वैलेंटाइंस डे वाले लुक की थी तब मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ की थी. अगर आप लोगों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना. लेट्स कम टू द प्रोडक्ट आई हैव फ्रॉम मिस क्लेयर. तो मैंने मिस क्लेयर से आई लैश ग्लू मंगाया था. इसके पहले मैं डुओ का आई लैश ग्लू यूज़ कर रही थी, बट नाउ आई स्विच टू मिस क्लेयर. मैं बहुत ज़्यादा रिव्यू सुन रही हूँ मिस क्लेयर का. एंड व्हेन आई ऑर्डर्ड आई डिडंट नोटिस दैट आई वाज ऑर्डरिंग द डार्क टोन वन. सो मुझे ये ब्लैक वाला आई लैश ग्लू रिसीव हुआ है. बट इट इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट. कुछ ज़्यादा इफेक्ट, मतलब बहुत ही अच्छा स्टिक होता है आपके आईज़ में. बहुत ही अच्छा है. एंड इट्स मेड इन कोरिया. सो या दैट्स इट. इसके अंदर कुछ ऐसा छोटा सा पैक रहता है ग्लू का. ये चल जाएगा, बहुत दिन तक चल जाएगा. आई एम डैम श्योर अबाउट इट. लेट्स कम टू द लास्ट टू प्रोडक्ट्स विच आर लेफ्ट. एंड दोनों नायका के प्रोडक्ट्स हैं. एक तो है नायका के ये वाले लैशेस. ये वाले हैं नायका के लास्ट ऑफ द ओजी लैशेस. ये मैंने अपने आई लैश ट्यूटोरियल में भी यूज़ किया था. आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जल्दी जाके चेक करना. वैसे मैं ग्लू भी तब भी यूज़ की थी. सो इस इज़ द लैश टॉक द ओ जी आई लैशेज. मुझे एक नॉर्म मतलब नेचुरल आई लैशेज बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मुझे ये वाले ही लैशेज खरीदना था. सो आई वेंट फॉर दिस लैशेज. एंड बहुत अच्छे हैं. मैं ये शादी में भी यूज़ की थी. एंड बहुत मतलब हेवी नहीं लगता आईज में. मुझे हेवी आई लैशेज बिल्कुल नहीं पसंद. एंड ये बहुत ज़्यादा लाइट था. कम टू द लास्ट प्रोडक्ट एंड मेकअप का हॉल हो उसमें लिपस्टिक ना हो ये कैसे हो सकता है. सो आई हैव दिस लिपस्टिक विद मी. इट इज़ द नायका सो मैट मिनी. तो यू नो आई एम लाइक सो मैट मिनी का बहुत बड़ा फ़ैन. मेरे पास बहुत सारे शेड्स ऑलरेडी हो चुके हैं. एंड है ना कि बहुत चीप भी होता है बहुत अच्छा भी होता है. ये है इसका शेड नंबर है 13M म्यूल्ड वाइन. हेयर इज द शेड. आई फ्रीकिंग लव्ड इट. मैं इसको स्वाच करके दिखाती हूँ आप लोगों को. That's it for this haul. I hope you guys enjoyed it. If you liked it, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I will be back with more new videos very soon. Yeah, till then, goodbye. Take care.